पवई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक प्रहलाद लोधी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसका भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। सुनियोजित कार्यक्रम के तहत नगर के छत्रसाल स्टेडियम में शंखनाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा नेता संजय नागायच ने कहा कि हम सभी लोग भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता है और भाजपा को विजय बनाना चाहते हैं, जिससे योग प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया जाए। 29 अक्टूबर तक बीजेपी हाईकमान यदि प्रत्याशी परिवर्तित नहीं करती तो हम में से एक उम्मीदवार का चयन करते हुए 30 अक्टूबर को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे। आप सब जानते हैं कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। बरसों हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को काम किया है। हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी को बचाने निकले हैं। जिस प्रकार का प्रत्याशी किसी कारणवश यहां आया है वो अयोग्य है। जनता की जनभावनाएं और कार्यकर्ताओं की इच्छा यह है कि किसी भी हालत में नहीं जीतेगा। इसने 5 साल जिस प्रकार की निष्क्रियता कर्मठता दिखाई है, उस प्रकार से पूरा जनता ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से परास्त होगी। हमने प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व से लेके सबको निवेदन किया है कि इस प्रत्याशी पर पुनर्विचार करके इसको बदला जाए। कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत बड़ा बाहुबली है, धनबली है।